चलिए आज शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट सिमेट्री। जो भी लोग आज के इस सेशन में रहेंगे तो हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बच्चे बहुत स्केयर्ड होते हैं। हमने आज तक जितना भी फीडबैक लिया है बहुत स्केयर्ड रहते हैं। तो बहुत सहज टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट टॉपिक में बस एक डिमांड है कि आपको पेशेंस रखना है। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, टाइम टेकिंग है, ठीक। और इसका शुरुआती दौर जो है कार्टेशियन सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन, ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, इनको ज़रूर सीखना है। तो बिल्कुल पेशेंस रखें और एक बात का एश्योर एक भरोसा है कि अगर आप शुरुआत के सारे सेशन में रेगुलर रहेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो आपका फियर है, डर है, जो आप डर जाते हैं इसका नाम ही लेते ही, तो वो डर ज़रूर इस बार ख़त्म होगा। इस बात का मतलब मुझे भरोसा है और इस बात को हम फीडबैक एक महीने बाद लेंगे। तो आप और भी साइड में कुछ टॉपिक्स हम लोग चलाते रहेंगे। अब आज से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक धीमे धीमे अपलोड होते रहेंगे, उसको आप देख रहिए और उससे साथ साथ प्रयास करते रहिए। देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे शुरुआत हुई और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, तो यहाँ ध्यान रखना है कि पॉइंट्स या कोई पॉइंट है, जैसे ये है, जैसे एक बात को एज ए एग्जाम्पल लें कि आप ऐसी जगह पे हैं, बहुत आसपास पानी है, बहुत ज़्यादा इधर उधर हर जगह, ठीक है। जाहिर सी बात हम समुद्र की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल कहीं ऐसी जगह पे हैं, ठीक, आपको किसी को बताना है, लोकेशन देना है, तो आपको टफ हो जाएगा। अगर आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो आप कैसे बता पाएंगे, टफ है। अब कानपुर में, दिल्ली में, मुंबई में किसी चौराहे पे, तो आप सहज तरीके से बता देते हैं क्योंकि वहाँ पर इस चौराहे का उसके आसपास कोई ऐसा लोकेशन होगा, आप उसको दे देते हैं जिससे वो सहज तरीके से आपसे टच कांटेक्ट कर सकता है। ऐसे एक प्लेन है, बहुत बड़ा प्लेन है, कोई पॉइंट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे, उससे कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो इसीलिए पॉइंट्स के लिए, पॉइंट्स से क्या क्या हो सकता है, पॉइंट्स तक कैसे पहुँचेंगे, पॉइंट्स का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, सब कुछ पॉइंट्स के बारे में कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉइंट पर फोकस करना, ठीक। तो सिंपल जैसे पॉइंट है, तो ऐसे अब ये है तो कैसे पहुँचेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्लेन डिसाइड किया। क्या दिया, प्लेन, जिसको बोल रहे हैं एक्स वाई प्लेन, कार्तीय तल, हिंदी में बोलेंगे कार्तीय तल। एक हमने एक्सिस ली जिसको हमने एक्स एक्सिस बोला, एक एक्सिस ली जो जिसको हमने वाई एक्सिस बोला। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जहां पे इसको कट किया उसको बोला क्या, ऑरिजिन। चार भागों में इसने बांट दिया इस प्लेन को, पहले को फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, इस एक्सिस को इस एक्सिस ने दो भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में। यहाँ पे हमने माना कि इस बात को जीरो कामा जीरो, मतलब x भी जीरो है और y का भी जीरो। अब जीरो, जब x की ये वैल्यू जीरो है, इसके आगे जीरो के आगे क्या है, पॉजिटिव, तो जीरो के आगे कैसा हो गया, पॉजिटिव। जीरो के पीछे लेफ्ट में नेगेटिव। अब y एक्सिस ने x एक्सिस को दो भागों में डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव पार्ट जीरो एंड नेगेटिव पार्ट। ऐसी x एक्सिस ने y एक्सिस को भी दो भागों में डिवाइड किया, तो ऊपर वाले भाग को पॉजिटिव, नीचे वाले भाग को नेगेटिव। तो देखो ये कैसा हो गया, प्लस प्लस, ये कैसा हुआ, माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले कंसीडर जो करते हैं वो x या y, x को पहले कंसीडर करते हैं, y को बाद में। अब हमें यहाँ पे पहुँचना, सपोज यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट तक पहुँचना है। तो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए पहले हम लोग इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे। तो अगर हमने यहाँ पर
जो ये ट्रबल किया, अगर x यूनिट ट्रबल किया और इधर y किया, तो ये पॉइंट हो गया x कामा y, ठीक है। तो यहाँ सारे x कैसे होंगे, पॉजिटिव, y कैसे होंगे, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस सारे पॉइंट्स का, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर x कैसा होगा, y कैसा होगा, पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। x कैसा, हमने बोला कि x को पहले कंसीडर करें, ऑर्डर है, एक ऑर्डर है, मतलब एक क्रम है, सबसे पहले x फिर उसके बाद y। तो यहाँ पे x कैसा है, पॉजिटिव, y कैसा है, निगेटिव, ठीक है। तो इसलिए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, क्यों हुआ या समझ आया कि नहीं। तो आपके सामने एक प्लेन लिया हमने, प्लेन में एक यहाँ पे पॉइंट लेने वाले हैं, सपोज यहाँ पे 4,5 ले लिया, क्या लिया 4,5, तो हमने कहा ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी पॉइंट को, पॉइंट में ये वैल्यूज ऑर्डर में है, कैसे लिखी गई, ऑर्डर में। तो इनका क्या मतलब है, देखिए इस पहली वाली वैल्यू का मतलब है कि फोर यूनिट, अब 4 यूनिट बढ़ना है, तो देखिए 4 यूनिट बढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द वाई एक्सिस, ओरिजिन से परपेंडिकुलर फ्रॉम द वाई एक्सिस, चाहे यहाँ बढ़े और चाहे यहाँ बढ़े, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, 4 यूनिट, ओके। अब 5 का मतलब है एक्स एक्सिस से क्या, 5 यूनिट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 4,5, ठीक, पॉइंट को रिप्रेजेंट हो गया। अब जैसे पॉइंट पी एक्स का वाई है, तो इस एक्स को बोल रहे हैं एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, इसको ही बोलते हैं एफ सीसा, क्या बोलते हैं, एक्स सीसा, हिंदी में भुज और कोटि बोलते हैं शायद, कंफर्म कर लें, ठीक। इसका क्या मतलब, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मीजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ध्यान दें एक्स इज अ एक्स कोऑर्डिनेट नॉट अ एक्स एक्सिस, लोग क्या बोलते हैं कि एक्स एक्सिस, सबका जो परसेप्शन है उसको आप क्या करिए, क्रॉस, एक्स इज नॉट अ एक्स एक्सिस, एक्स इज अ एक्स कोऑर्डिनेट, क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, निर्देशांक एक्स कोऑर्डिनेट, वो क्या है, डिस्टेंस है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है क्या, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और मीजर्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जैसे एक्स और वाई के लिए तो आप सिमिलरली लिख ही सकते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मीजर्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक। तो हम एक्स कहाँ वाई को मीजर करेंगे, कोई पॉइंट एक्स कहाँ वाई रिप्रेजेंट करना है हमें, तो देखो ये वाला पेयर जो इस पॉइंट में पेयरिंग है, दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई, तो एक्स एक डिस्टेंस है, एक्स क्या है, और किससे मेजर करेंगे, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर और अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो मान लो एक्स यूनिट गए तो चाहे ये गए और चाहे ये गए, हमें परपेंडिकुलर ही मेजर करना है, और वाई मतलब किससे परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलरली मिले, तो यहाँ पर पॉइंट एक्स गामा वाई, ओके, ठीक, बात समझ आएगी नहीं। तो हमें कुछ पॉइंट हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो दो वर्ड्स हमने ध्यान दिए, एप्सिसा ऑर्डिनेट, एप्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, बस ये ध्यान दें, इस स्पेलिंग हो सकता है थोड़ी गड़बड़ हो, और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का पेयर कर दें तो वो पॉइंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पॉइंट, ठीक है। अब जैसे कोई पॉइंट लिया गया 3,-4, ठीक, प्लेन बनाया 3,-4, तो हमें 3 वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर 3 यूनिट चलना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट,
3 मीटर तक गए। अब हमें माइनस फोर, तो माइनस का मतलब है डायरेक्शन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है डायरेक्शन, प्लस होता तो ऊपर, माइनस मतलब नीचे, एक्स में प्लस का मतलब वाई के राइट में, माइनस मतलब वाई के लेफ्ट में। तो हम लोग 4 यूनिट, अब वाई कोऑर्डिनेट है तो एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे परपेंडिकुलर, 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ से चले तो यहाँ पहुँचे, पॉइंट क्या यहाँ पे आ गया, 3 कॉमा माइनस 4, ओके ठीक। तो एक दो पॉइंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सही तरीके से आप सीख जाएंगे। कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। 0,2, तो देखिए 0 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, 0 डिस्टेंस बढ़नी है मतलब नहीं बढ़ना है। यहाँ पर इनिशियली थे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ भी नहीं बढ़ना है, ओके बढ़ गए। वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना, 2 यूनिट एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो या और पॉजिटिव तो मतलब ऊपर 1 यूनिट और 2 यूनिट यहाँ पे पहुँचे। तो ये जो क्रॉस किया यही पॉइंट है 0,2, ओके। -1,-2, ओरिजिन से हमने शुरुआत की, -1 मतलब एक्स एक्सिस के लेफ्ट में वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर 1 यूनिट डिस्टेंस पे, यहाँ आ गए। साथ साथ -2 वहीं से वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और माइनस का मतलब है एक्स एक्सिस से नीचे 2 यूनिट परपेंडिकुलर 1 और 2, यहाँ पहुँच गए -1,2। -3,0 ओरिजिन से फिर से स्टार्ट किया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, -3 यूनिट मतलब लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर 1 2 3, यहाँ पे पहुँचे एक्स वाई के अलॉन्ग कुछ भी नहीं बढ़ना है तो -3,0, ठीक है। -2,5 करना होता तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 और 2, वाई एक्सिस अब समझ ही गए होंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच के -2,-5, 3,5 की बात करें एक्स के अलॉन्ग 1 2 और 3, वाई के अलॉन्ग 1 2 3 4 5, 3,5, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, चार पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, सेकेंड थर्ड और फोर्थ में कैसे होंगे, कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने बताया कि पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट करने होंगे, और इसी पर आधारित क्वेश्चंस आप करिए। हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, आपके रिस्पॉन्स का वेट करेंगे। अगर कोऑर्डिनेट आपको लगती है कि पढ़ानी चाहिए और आप स्केयर्ड हैं तो आप वहाँ पे कमेंट्स में लिखिए, फिर हम लोग एक मजबूती के साथ अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, शुरुआत थी, तो अभी हम लोग यहाँ पढ़ा नहीं रहे, शुरुआत की है। तो आप लास्ट तक गए हैं तो वहाँ पर लिखिए कि कितना स्केयर्ड हैं आप, और फिर उसके और क्या क्या डिमांड है। छोटे छोटे वीडियोज डाल जाएँ या आप रेगुलरली पढ़ेंगे, अगर रेगुलरली आप पढ़ने का कमिटमेंट लेते हैं तो हम लोग रेगुलरली यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, और हमने बोला पढ़ाएंगे तभी जब आप वहाँ पे कन्वर्सेशन जारी रखेंगे। थैंक यू। चलिए फिर से वो वाला सिलसिला जारी रखते हैं, क्वेश्चंस वाला। बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत अच्छा लगा, फिर से शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमको आपको देंगे, आप अपने आप सॉल्व करिए, और जो कन्फ्यूजिंग हो आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो मारोला क्लासेस के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिमांड रखी, फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं क्वेश्चंस के साथ। और आपको लगता होगा कि पॉइंट्स, और जिनको भी लगता हो जो हमारे साथ लास्ट में बने हैं, जिनको भी मैंने बोला वो समझ रहे होंगे कि पॉइंट्स पढ़ाना कौन सी बड़ी बात है, तो हम उनको वो पढ़ा देंगे, ठीक है। उनके लिए ही है, ठीक है। गणित मतलब 2+2=4, तो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने में पसीने छूट जाएंगे। और तो एक हाईलाइट आपने जान ली होगी कि अगर चाहे गणित वाला तो आपको कुछ भी पढ़ा सकता है, आप ज़रूर करें इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। और ज़रूर बताएं कि दोबारा सिलसिला शुरू करें या नहीं करें, ठीक करेंगे हम लोग। चलिए अगेन थैंक यू।